जय हिंद साथियों। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल विजेता, तो चलिए लिखिए देश। पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं साथी, तो ये हो जाता है अमेरिका। कौन हो जाता है? USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने कुल साथी 113 मेडल जीते हैं, कुल कितने? 113, जिनमें से आपके 39 गोल्ड, 39 क्या गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 क्या हो जाते हैं आपके ब्रॉन्ज। तो पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते, तो आप बताएंगे 113। कितने गोल्ड थे? तो 39 थे। और अगर पूछे सिल्वर कितने, तो 41, और ब्रॉन्ज पूछे तो आपके हो जाते हैं 33। साथी दूसरा देश था चीन, तो सेकंड देश कौन हो जाता है? अगर रैंक पूछे तो फर्स्ट अमेरिका, सेकंड पर चिंगू चीन हो जाते हैं, और तीसरे पर जापान। और साथ ही भारत की रैंक पूछे तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, लिखिए भारत। साथ ही पिछली क्लास में मैंने जब सर्च किया था तब 47 था, फिर शाम तक वो 48 हो गया था, तो अब फाइनल रैंक आ गई है भारत 48वें नंबर पर। 48वें नंबर पर 7 मेडल, जिनमें से आपका एक गोल्ड हो जाता है, दो सिल्वर, चार ब्रॉन्ज हो जाता है, तो उसके लिए माफ कर दीजिए, 48th रैंक पर था भारत। और टॉप देश कौन हो जाता है साथी? अमेरिका। अब लिखिए खिलाड़ी। खिलाड़ी पूछेगा कि सर्वाधिक मेडल किस पुरुष खिलाड़ी ने जीते, तो खिलाड़ी लिखिए। सबसे पहले किसकी बात करेंगे साथी? पुरुष। तो ओवरऑल 5 गोल्ड जीते थे इन्होंने, 5 गोल्ड। कितने साथी? टोक्यो ओलंपिक में 5 गोल्ड के साथ ये टॉप पर थे, 5 गोल्ड जीते थे इन्होंने। और ये ड्रेसल करके नाम है इनका, हो जाता है कैलेब ड्रेसल। कौन हो जाते हैं साथी? कैलेब ड्रेसल। किस देश से हैं? तो ये साथी अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और साथी क्या है ये? तैराक, तैराक है। तो इन्होंने टोटल 5 गोल्ड जीते थे सर्वाधिक। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले कौन हो जाते हैं साथी? तो ये हो जाते हैं कैलेब ट्रेसल। जबकि मैं महिलाओं की बात करूं, पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस महिला ने जीते हैं, तो ये हो जाती है एमा मैक्रॉन। कौन हो जाती है साथी? एमा मैक्रॉन, एमा मैक्रॉन। इनके साथ ही 4 गोल्ड, कितने? 4 गोल्ड, और थे तीन, तीन कांस्य थे। कितने थे साथी? तो 3 कांस्य पदक, 4 गोल्ड 3 कांस्य, टोटल 7 मेडल, टोटल 7 मेडल। तो अगर बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल गिनती के मामले में 7 किसने साथी? एमा मैक्रॉन। पर गोल्ड को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किसने पदक जीते, तो साथी 5 गोल्ड के साथ कैलेब ड्रेसल। और साथी ये कहां से हो जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है। क्या है ये भी? तैराक है, तैराक। तो इनको लिख लीजिए। अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा किस देश ने मेडल जीते, तो अमेरिका ने टोटल 113, 39, 41, 33। चीन दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे पर, भारत 48वें नंबर पर 7 मेडल के साथ। जबकि खिलाड़ियों की बात करें तो पुरुषों में सर्वाधिक 5 गोल्ड जीते हैं कैलेब ड्रेसल, जो कि अमेरिका के तैराक हैं। और महिलाओं की बात करें तो एमा मैक्रॉन, जिन्होंने 4 गोल्ड 3 कांस्य के साथ रिकॉर्ड बना दिया साथी, ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। साथ ही कुछ अन्य खिलाड़ी फेमस थे जिन्होंने काफी गोल्ड जीते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक याद रखिए कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा किस देश ने जीता, किस खिलाड़ी ने जीता, पुरुष और महिला। अब अन्य नाम आ जाते हैं साथी। पूछेगा कायली मैक्रॉन किस देश से हैं, तो लिखिए कायली मैक्रॉन, मैक्रॉन। पूछेगा साथी काली मैक्रॉन किस देश से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक है। कौन है साथी? ऑस्ट्रेलिया के क्या है साथी? स्विमर है, तैराक है, तैराक है। 3 गोल्ड और 1 कांस्य, 4 मेडल। टोक्यो ओलंपिक में 3 गोल्ड 1 कांस्य के साथ ये तीसरे सबसे बेस्ट प्लेयर रहे हैं काइली मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलिया के तैराक है साथी। अगला नाम आ जाता है आनसन। कौन साथी? आनसन। ये साथी क्या है? ये तीरंदाजी के हैं, दक्षिण कोरिया से हैं। और 3 स्वर्ण,
तो किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी से है। तीरंदाजी और किस देश से बिलोंग करती है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाजी है। और इन्होंने कितना? 3 गोल्ड साथी, 3 गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में, 3 गोल्ड तीरंदाजी के। कौन? आंसन। तो ये साथी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला नाम आ जाता है लीजा कैरिंगटन। कौन? लीजा कैरिंगटन। साथी पूछेगा लीजा कैरिंगटन, तो ये न्यूजीलैंड की है। कहाँ की? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इन्होंने 3 गोल्ड जीता है साथी, 3 गोल्ड के साथ ये नाविक हैं। तो 3 गोल्ड क्या है साथी? नाविक। और अगला नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि साथी ये रेसर हैं, जमैका की हैं, एलेनी थॉमसन हेरॉन। कौन साथी? एलेनी थॉमसन हेरॉन। हेरॉन। तो इन्होंने 3 गोल्ड जीता है साथी, और ये जमैका की हैं, महिला हैं जमैका की। और साथी क्या है? ये धावक हैं, रेसर धावक। तो साथी इनके खेल और देश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काइली मैक्रॉन ऑस्ट्रेलिया के तैराक, आनसान तीरंदाजी दक्षिण कोरिया की हैं, लीजा कैरिंगटन न्यूजीलैंड की, और एथेली थॉमसन ये हो जाती हैं जमैका की धावक। साथी ओलंपिक में 2 लोग और चर्चा में रहे हैं, एक तो सबसे युवा खिलाड़ी, वो युवा पदक विजेता, और एक सबसे वृद्ध पदक विजेता। तो इनके नाम लिख लीजिए। सबसे युवा पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने मेडल जीता था? तो ये हो जाती है साथी मोमिजी निसिया। मोमिजी निसिया ये साथी जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। स्कार्ट बोर्ड जापान की है। और इन्होंने स्कैट बोर्ड प्रतियोगिता में साथी गोल्ड क्या जीता है? गोल्ड। जबकि सबसे वृद्ध की बात करें, सबसे वृद्ध की, तो ये साथी हो जाती हैं अब्दुल्ला अल रसीदी। कौन हो जाती हैं? अब्दुल्ला अल रसीदी। ये साथी अब्दुल्ला अल रसीदी सबसे वृद्ध है, कुवैत की हैं। और इन्होंने शूटिंग का ब्रॉन्ज जीता था, शूटिंग का ब्रॉन्ज मेडल। तो साथी पूछेगा टोक्यो ओलंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीता था, तो मोमिजी निसिया जापान की हो जाती है। जबकि सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी की बात करें जिन्होंने कोई मेडल जीता है, तो हो जाती है अब्दुल्ला अल रसीदी। तो फ्रेंड्स ये क्लास अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और साथ ही उस दिन मैंने गलती से आपको एक नाम छोड़ दिया था, बजरंग पूनिया जी का। तो लिख लीजिए बजरंग पूनिया। भारत में मैंने बताया था आपको 4 ब्रॉन्ज, तो एक ब्रॉन्ज वाला मैंने छोड़ दिया था, जल्दबाजी थोड़ा हो गई थी। तो बजरंग पूनिया लिख लीजिए, बजरंग पूनिया। इन्होंने कांस्य जीता है, कुश्ती से आते हैं, भारत के हैं, कुश्ती से आते हैं। साथ ही ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रवि दहिया, नीरज चोपड़ा और ये बजरंग पूनिया, 3 प्लेयर हरियाणा से हैं। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।